नमस्कार, अरशाद अली के साथ आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति। पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी में गुटबाजी हुई हावी। रायसिंहनगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक आज संपन्न हुई। लगातार चुनाव को लेकर सामने आ रही गुटबाजी इस बार पंचायत चुनाव में भी सामने आ सकती है। लोकसभा का विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी करारी हार का सामना कर चुके हैं। पंचायत चुनाव को लेकर रखी गई बैठक ब्लॉक अध्यक्ष लखवीर सिंह समरा सहित कांग्रेस पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में कांग्रेस पूर्व विधायक सोना देवी बावरी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वहीं बैठक में कार्यकर्ताओं द्वारा लंबे समय से चली आ रही गुटबाजी की भी चर्चा की। कार्यकर्ताओं ने संबोधन में यह भी कहा कि अगर गुटबाजी रही तो पार्टी की राह इस चुनाव में मुश्किल होगी, एकजुटता से यह चुनाव जीता जा सकता है। वहीं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक में चुनाव से पहले ही गुटबाजी नजर आने लगी है। बैठक में पूर्व विधायक उपस्थित नहीं रहे। कमेटी की बैठक में बनी स्थिति को लेकर पंचायत चुनाव की तस्वीर भी साफ होने लगी है। वहीं दूसरी ओर पुनर्गठन को लेकर 20 LM लूनिया पंचायत बनी चर्चा का विषय। अगले माह होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर पुनर्गठन में लूनिया पंचायत के साथ राज्य सरकार ने ऐसा खेल खेला कि हर कोई हतप्रभ है। मिली जानकारी के अनुसार पहली नवसर्जित पंचायतों की सूची में राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत लूनिया के 15 LM गांव को नई पंचायत का दर्जा तो नहीं दिया, लेकिन पुनर्गठन में शामिल कर पंचायत के 15 से 19 वार्ड बना दिए गए और मतदाताओं की संख्या 5,000 की बजाय 7,000 से भी ऊपर चली गई। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा दूसरी सूची में 178 नवसर्जित पंचायतों को दर्जा दिया गया, जिसमें ग्राम पंचायत 20 LM लूनिया के गांव 15 LM को नई ग्राम पंचायत बनाया गया, लेकिन हाईकोर्ट ने सूची को खारिज कर दिया है, जिसकी वजह से ग्रामीण आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार में नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार के पक्ष में नहीं आता है तो ग्राम पंचायत छोटी होने के बजाय बड़ी होने से विकास कार्य में कमी आने की पूरी संभावना है। वहीं अगर ग्राम पंचायत से संभावित उम्मीदवारों की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से के इंतजार में उन्हें भी सकते में डाल दिया है।